हेलो स्टूडेंट, तो आज अपन फिर एक और नई डिजीज के साथ अपन शुरुआत करेंगे। तो अपनी न्यू डिजीज होगी क्या पढ़ेंगे आज अपन? मम्स। मम्स की बात करते हैं तो जो तीन डिजीज का कॉम्बिनेशन होता है MMR, कौन सा? MMR, जिसे अपन क्या बोलते हैं? मीजल्स, मम्स एंड रूबेला। तो उसी के अंदर तीसरी डिजीज अपन दो डिजीज पढ़ चुके हैं, मीजल्स एंड रूबेला। अब पढ़ेंगे अपन मम्स। मम्स को अपन क्या कहते हैं? रूबूला। क्या बोलते हैं बच्चों? इसका दूसरा नाम है रूबूला। रूबूला, तो रूबूला किसे बोलेंगे? मम्स को। उसी तरह मीजल्स को अपन क्या बोलेंगे? रूबियोला। क्या बोलेंगे बच्चों? रूबियोला। और जो जर्मन मीजल्स जिसे अपन कहते हैं रूबेला, बेला, जिसे अपन क्या बोलेंगे? रूबेला। इसे ही अपन क्या बोलते हैं? जर्मन मीजल्स। क्या बोलते हैं बच्चों? जर्मन मीजल्स। तो ये तीन डिजीज इसी के साथ अपन इसको कंप्लीट करेंगे आज। तो अपना न्यू डिजीज कौन सी होगी? रूबूला। रूबूला। अब बात करते हैं रूबूला क्या होती है, कैसे लगती है। जो ये डिजीज होती है मेनली 5 to 9 ईयर के बच्चों को, ईयर्स के बच्चों को सबसे ज्यादा अफेक्टिव करती है। कितने ईयर्स के बच्चे को? 5 to 9 ईयर के बच्चे को। इट इज सही बात। बात करते हैं जो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? वो होता है बच्चों मिक्सोवायरस। निकलते
मम्स को कॉल करेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट चीज अपन बात करते हैं जो ये वायरस होता है, कौन सा? मिक्सो वायरस। मिक्सो वायरस पेरोनीटाइटिस, जो मिक्सो वायरस पेरोनीटाइटिस जो वायरस होता है, ये मेनली किसको इन्फेक्टेड करता है? तो बात करें अपने जो ओरल कैविटी के अंदर तीन ग्लैंड होती है, जो कौन सी ग्लैंड होती है? तीन ग्लैंड होगी, पैरोटिड ग्लैंड, टिप ग्लैंड, सब मैंडिबल ग्लैंड एंड सब लिंगुअल। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड जो अपने पैरिस से जो ऊपर वाला यूला जो पार्ट होता है, जो ये ओरल कैविटी होती है, ओरल कैविटी में ये होता है नेजो फेरिंग्स होता है, ये ओरो फेरिंग्स होता है, इससे कनेक्ट होते हैं, फिर नीचे आता है ये एक अपना क्या होता है, नीचे ये यूला होता है, यूला के पास में इधर जो एक प्रकार की क्या होती है पैरोटिड ग्लैंड होती है, फिर यहाँ सब ल्यूबल जो ओरल कैविटी होती है, यहाँ पे एक प्रकार की ग्लैंड पाई जाती है जिसे सब ल्यूबल ग्लैंड बोलते हैं, और नेक्स्ट एक और ग्लैंड पाई जाती है जो सब मैंडिबल ग्लैंड, जो अपनी मैंडिबल मैंडिबल बोन होती है उसके पास में एक ग्लैंड होती है जिसे अपन मैंडिबल सब मैंडिबल ग्लैंड कहते हैं, जो अपने ओरल कैविटी के अंदर पाई जाती है। ये ओरल कैविटी में तीन प्रकार की ग्लैंड जो होती है इसको मेनली इंफेक्टेड करता है मिक्सो वायरस पेरोनीटाइटिस वायरस। जो ये इंफेक्शन इसको करेगा तो वो इन तीनों में क्या कोज कर सकता है बच्चों? जो इन तीनों में कोज क्या करेगा मेनली ये पेरोनीटाइटिस ग्लैंड को इंफेक्टेड करता है, तो मेनली इसके अंदर मोस्ट कॉमन जो पेन होगा और सेकंड इसमें क्या होगी स्वेलिंग होगी। क्या होगी बच्चों? पेन एंड स्वेलिंग जो होगी, कभी कभी कुछ मामलों में ये जो अदर ग्लैंड होती है सब मैंडिबल एंड सब लिंगुअल इसको भी इसके अंदर इन्वॉल्व कर सकता है, इसके अंदर भी क्या हो सकता है स्वेलिंग एंड पेन हो सकता है, इसको इंफेक्शन हो सकता है इसके अंदर बच्चों सब मैंडिबल एंड सब लिंगुअल ग्लैंड के अंदर। तो ये जो मेन चीज है वो मिक्सो वायरस होता है वो इन चीजों को अफेक्ट करता है, इसीलिए इसे अपन ने क्या बोला मिक्सो वायरस पेरोनीटाइटिस। पेरोनीटाइटिस जो होता है वो पेरोटिड ग्लैंड से आता है। ठीक है ना बच्चों, नेक्स्ट बात करें इसके सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स में अपन को पता है वह सिम्टम जो पेशेंट को जो मिक्सो वायरस पेरोनीटाइटिस का इन्फेक्शन हुआ जिसे मम्स हुआ से सबसे पहले क्या आएगा ईयर एक। आपको पता है जब भी मम्स किसी को होता है तो यहाँ पे एक चत्ती जैसा चिपका देते हैं जिसे मम्स बोलते हैं, वही क्या होता है मिक्सो वायरस पेरोनीटाइटिस। तो यहाँ पे जो ये कान होता है इस कान के पास में अपन को पेन होने लग जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पेरोटिड ग्लैंड होती है वो इन्फेक्शन वो पेन एंड स्वेलिंग करेगी, और स्वेलिंग करेगी तो ईयर के आसपास होती है तो इधर अपन को ईयर एक होने लगेगा। तो फर्स्ट कंप्लेन बाय पेशेंट क्या होगी ये याद रखना, ईयर क्या होगा ये एक होगा, ये फर्स्ट कंप्लेंट होगी मम्स की पेशेंट के अंदर से। कि बाकी अदर सिम्टम्स की बात करें तो फीवर होगा, ठीक है ना, फीवर होने लगेगा, पेन होगा, स्वेलिंग, पेन एंड स्वेलिंग इन पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है ना, और समटाइम या कभी कभी समटाइम या कभी कभी इसमें भी हो सकता है पेन एंड स्वेलिंग इन सब लिंगुअल एंड सब मैंडिबल ग्लैंड के अंदर। इसके अंदर हो सकता है बच्चों,
तो मेन चीजों तो जो पेन एंड स्वेलिंग करेगा वो पैरोटिड ग्लैंड के अंदर। और सही चीज बात करते हैं, कभी कभी ये सम टाइम इसमें पेन और स्वेलिंग कर सकता है सब लिंबर और सब मेंडिबल ग्लैंड के अंदर। क्या कर सकता है ये इंफेक्शन कोज कर सकता है, ये सिम्टम्स के अंदर क्या होंगे अपीयर होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि अपने सिम्टम हो चुके हैं, कितने सिम्टम्स अपने अंदर मेनली उत्पन्न होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की बात करें, जटिलता है तो जब किसी को मम्स होगा अगर उन केस में उसका ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से नहीं होता है लंबे समय तक या रिपीटेड मम्स होता है किसी बच्चे के अंदर, तब ये कंडीशन होगा यदि जो बच्चा होता है 5 to 9 years से इस ग्रुप का जिसको अंदर बार बार रिपीटेड मम्स हो रहा है तो उसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशन होगी वो क्या होगी। तो असेप्टिक मेनिनजाइटिस, असेप्टिक मेनिनजाइटिस हो सकती है इसके अंदर बच्चों के अंदर जो 5 to 9 years एज ग्रुप के में रिपीटेड क्या हो रहा है मम्स हो रहा है तो कॉम्प्लिकेशन उसको क्या हो सकती है मेनिनजाइटिस हो सकती है। मेनिनजाइटिस क्या होता है तो बच्चों ये 3 layer का इंफेक्शन होता है, मैन भी होता है ड्यूरामेटर पायामेटर एंड अरेक्नोइड। तो ड्यूरामेटर पायामेटर अरेक्नोइड जो ब्रेन की 3 layer होती है अपने ब्रेन के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड तक होती है उस लेयर के अंदर इसका इंफेक्शन हो सकता है जो मेनली बहुत ज्यादा सीवियर सीवियर सिम्टम उत्पन्न कर सकते हैं। अनकॉन्शियस लाइक पेन डिस्कम्फर्ट सिम्टम जो अपने अंदर उत्पन्न होते हैं वो उत्पन्न हो सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यही कॉम्प्लिकेशन अपन एडल्ट के अंदर बात करें, एडल्ट के अंदर तो एडल्ट के अंदर ये मेन जो सिम्टम उत्पन्न करेगा उसे अपन ओरसाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं ओरसाइटिस, क्या बोलते हैं बच्चों ओरसाइटिस। यह जो कॉम्प्लिकेशन ये मेनली किसको होगा एडल्ट को होगा, जो मेनिनजाइटिस है वो मेनली बच्चों को होगा। ओरटाइटिस का मतलब क्या होता है, ओरटाइटिस का मतलब होगा इंफेक्शन इन टेस्टिस के अंदर इसका इंफेक्शन हो सकता है। मेनली जो टेस्टिस होता है टेस्टिकुलर जो सेल्स होती है उसके अंदर वो क्या करेगा उसको स्वेलिंग वहां पे हो जाएगी, स्वेलिंग होगी तथा पेन होगा टेस्टिस के अंदर और जिसके कारण वो अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाएगा। और फंक्शन नहीं कर पाता है तो उस कंडीशन में उस पेशेंट को मेनली क्या हो सकता है इनफर्टाइल बॉडी से नपुंसकता उस एडल्ट को हो सकती है, वो बच्चे उत्पन्न करने में असमर्थ हो सकता है यदि उसको बार बार मम्स हो रहा है या उसको ओरचाइट हो चुका है तब उसकी कॉम्प्लिकेशन में उसको क्या हो जाएगा टेस्टिकुलर सेल में स्वेलिंग के तौर पे जिसके कारण इनफर्टाइल भी हो सकता है। ये जो दो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जो आपको याद रखनी है एडल्ट में ओरचाइटिस तथा बच्चों में मेनिनजाइटिस। नेक्स्ट बात करते हैं इसका मैनेजमेंट, तो बच्चों मैनेजमेंट सिंपल सा होगा। जो मैनेजमेंट की बात करें इसके अंदर सिम्टोमेटिक इसका ट्रीटमेंट करें। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, यदि जिसको मंच हो रहा है उसको इंफ्लामेशन तथा स्वेलिंग हो रखा है उसको पेन हो रहा है उसको बुखार आ रहा है तथा उसको माउथ को ओपन करने में दिक्कत आ रही है क्योंकि वहां पे स्वेलिंग हो चुकी है तो इस कंडीशन में उसको अपन मेनली जो टेबलेट्स होती है वो यदि उसको इंफेक्शन हो रखा है तो उसको एंटीवायरल मेडिकेशन देंगे, बुखार है तो एंटीपायरेटिक देंगे, एंटीपायरेटिक
पेन हो रहा है तो इनहेलेशन, ठीक है ना। तो ये कुछ प्रकार के जो ग्रुप होता है, जैसे एंटी पायरेटिक की बात करें तो क्या होता है, कौन सी वाली इसी हम सबको पता है। और नेक्स्ट जो इनहेलेशन जो अपने दर्द को कम करेगी, जैसे उसको डाइक्लोफेनेक सोडियम दे सकते हैं, एसीटिलोरोफेनेक प्लस पीसीएम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं उसको, पेशेंट को प्रॉपर रेस्ट करनी है, क्या करना होगा, प्रॉपर रेस्ट, ठीक है ना, प्रॉपर रेस्ट एंड ओरल हाइजीन। जब बच्चों इसका इंफ्लामेशन जो वायरस होता है मेनली पैरोटिड ग्लैंड को इन्फेक्शन करता है, तो मेनली अपन को ओरल हाइजीन पे बहुत ज्यादा फोकस करना होता है। ओरल जो अपनी कैविटी होती है उसको बार बार स्टरलाइज, जो स्लाइड होता है या गर्म बोर्ड वाटर उसको वापस ठंडा होकर उसमें क्या करना है, ओरल कैविटी को खुले करके उसको क्लियर करना है, उसको हाइजेनिक रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं इसका, प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन की बात करें इसको होने से पहले कैसे बचा सकते हैं, तो बच्चों जो भी इसका वैक्सीन होता है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अनुसार, तो वो होता है इसका एमएमआर, इसका एक वैक्सीन जो होता है मेनली बच्चों में दिया जाता है, ठीक है ना। ये कब देते हैं, तो ये विद इन 9 मंथ में देते हैं। 9 मंथ में इसकी अगर बात करें डोज कितनी होती है, तो 0.5 ml होती है। और इसकी रूट की बात करें तो ये सब सबक्यूटेनियस रूट के द्वारा अपन इसको देते हैं, जो कि अपन को तीनों डिजीज से इसको बचाता है। और फर्स्ट थिंग वन और यदि अपन बात करें सिंगल टाइम इंफेक्शन अपन को लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। जो ये मम्स का वायरस यदि किसी बच्चे को एक बार हो जाता है तो मेनली उसको लाइफ लॉन्ग उसकी इम्यूनिटी प्राप्त हो जाती है, उससे सेकेंड टाइम अटैक नहीं आ सकेगा। यदि आएगा तो वो कंडीशन अलग होती है, यदि उसके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम जो कमजोर हो चुका हो या जो अपनी हेल्थ के कारण बहुत ज्यादा इलनेस हो या फिर उसको अदर डिजीज हो तो उसके कारण उसको हो सकता है। मगर यदि सिंगल टाइम उसको इन्फेक्शन उसको लाइफ लॉन्ग उसके प्रति इम्यूनिटी होगी। यदि सेकेंड अटैक जो होता है वो अदर कॉज के कारण होगा, मेनली सीधी जो स्वस्थ चाइल्ड होता है उसको नहीं होगा, ठीक है ना। बात करते हैं इसका एक और टॉपिक रह जाएगा इसके अंदर ही, एक पॉइंट रह जाएगा जो क्या है बच्चों, डायग्नोसिस। इसका डायग्नोसिस की बात करें, डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो इसका मेनली जो हिस्ट्री कलेक्शन है फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा अपन को पता चल जाएगा यहाँ पे स्वेलिंग है या फिर पेन हो रहा है, रेडनेस हो रही है, तो उससे अपन को पता चल जाएगा। उसके अलावा ब्लड टेस्ट करवा के भी पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो अपना था आज का टॉपिक वो अपना कंप्लीट हुआ। मम्स नेक्स्ट बात करेंगे नए डिसऑर्डर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।